बढ़ाए, वहां से भी आप उसको देख लो। तो अपना टोर्शन ऑफ शाफ्ट है जैसे आज का टॉपिक, तो टोर्शन ऑफ शाफ्ट में सबसे पहले देखेंगे टोर्शन होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए अपन जैसे आपके पास में देखो शाफ्ट अपन यूज कर रहे हैं, जैसे शाफ्ट अपने शाफ्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो टॉप शाफ्ट में ही देख रहे हैं अभी। शाफ्ट के अंदर आपको जैसे दो फोर्स है अलग अलग आपके पी अपन लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक फोर्स यहाँ पे अपन ने लगा दिया और एक फोर्स इसके डायमीटर के इधर लगा दिया। एक तरीके से जब ये एक इसके बीच के अगर सेंटर पे अगर अपन देखें तो सेंटर लाइन इसके सेंटर एक्सेस ये है, और इसका डाया आपके पास में ये डी यहाँ पे ये है। तो ये एक इसको ट्विस्ट कर रहा है। ट्विस्ट करने से मतलब जैसे अगर आप किसी भी रोड को पकड़ो और आप उसको एक तरफ से फिक्स कर लो, और उसके ऊपर से आप अगर उसको ग्रिप करके और आप उसको रोटेट करने की कोशिश करो, तो वो आप देखोगे कि वो ट्विस्ट आ जाएगा उसके अंदर। ट्विस्ट का मतलब उसके अंदर ऐंठन आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से दो फोर्स जब लगते हैं तो वो दो फोर्स एक साथ को ट्विस्ट करने के लिए इस तरीके से एक्ट करती हैं। तो उसमें से जो आपका ट्विस्ट मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको अपन बोलते हैं P1, यानी कोई भी फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, पी इंटू डी लिख रहे हैं। अब जहाँ अगर डाया D1 है तो अपन उसको D1 लिखेंगे, और यदि आपका अगर सपोज करो एक रोड फिक्स कर दिया और अपन ने दूसरे एंड पे अगर अपन उसको P2 फोर्स लगा रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर, तो भी अपन दो फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को देख रहे हैं। इनके बीच में जो वर्टिकल फोर्सेस लगे हुए हैं इनको जो अगर अपन डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने को ट्विस्टिंग मोमेंट मिलता है इसी, तो जिसको मिलते हैं पी इंटू डी। तो ये P1 D1 का मतलब D1 डिस्टेंस है, P आपका फोर्स P1 मान लेते हैं, और यहाँ P2 फोर्स लग रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो D2 है, तो अपन P2 × D2 कर सकते हैं। अब बात ये है कि अपन इसको इस सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कैसे करें ट्विस्टिंग मोमेंट को। अपन ट्विस्टिंग मोमेंट को अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर अपन देखें तो अपने पास दो तरीके हैं। एक तो जैसे कि अपन फोर्सेस से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा जो है वो फेमिलियर है, बेस्ट है, जिसमें T1 और T2 को अपन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में दिखा रहे हैं। ये आपका एक फोर्स इधर इस साइड में इस तरीके से लगा हुआ है, दूसरा फोर्स इसका आपका इस साइड में ऐसे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेशन आपका कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको अपन ने T1 से रिप्रेजेंट किया है इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ लगा हुआ उस पॉइंट से अपन देखते हैं। दूसरी साइड में अगर अपन देखें तो अपना पास रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से, एक में P2 फोर्स इस तरीके से लगा हुआ है, P2 फोर्स इस साइड से वर्टिकल में साइड लगा हुआ है। इसकी रोटेशन की पॉलिसी देखें तो इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज में कर रहा है। तो अपन ने इसको क्लॉकवाइज में दिखा रखा है और इसको एंटी क्लॉकवाइज में दिखा रखा है। एक थंब रूल और होता है, जैसे अगर अपन क्या करेंगे फिंगर्स को अगर यदि अपन बंद कर लें इस तरीके से एक तरीके से, और फिर उसमें से एक अंगूठा अपन इस तरीके से दिखाएं, तो अंगूठे की डायरेक्शन आप वो आपकी शो करेगी कि आपके पास में राइट राइट हैंड ही यूज करना है अपने को, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो आपके रिप्रेजेंट करेगी मूवमेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट की डायरेक्शन को। तो अगर अपन एक हाथ में अगर अपन ये अपना अपना हाथ ऐसे ऐसे इसके ऊपर रख दें और इस तरीके से, और अपन उसके देखेंगे तो अपना ये अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी आपका जो थंब होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब की वो कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, अपन ने एक एरो दिखाया और दो एरो दिखाए और उसकी डायरेक्शन उधर ही रख दी जिधर की ट्विस्टिंग मूवमेंट की डायरेक्शन आ रही है। तो इस तरीके से अगर अपन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो आपका कुछ ग्रिप है वो आपकी उल्टी डायरेक्शन में बनेगी, तो जैसे कि इसकी डायरेक्शन फिर आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि ये ग्रिप है आपका और आपको उस तरीके से ग्रिप करो तो राइट हैंड का एक ग्रिप आपका उस तरफ चला जाएगा, तो ये डायरेक्शन आपकी उधर हो जाएगी। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने के बाद आपको राइट हैंड का थंब है जो उसको आप ना रोटेट करके देखो, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करो, और आप अपने राइट हैंड के थंब को देखो कि उसकी डायरेक्शन किधर है, उधर वही डायरेक्शन आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी। अपन ने अगर किसी बार के अंदर अपन सपोज करो अपने पास में एक बार है और अपन ने उस बार के अंदर को डिस्क अटैच कर दी है और ये बार कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और अपन ने देखा कि इस बार के अंदर अपन ने एक डिस्क लगा दी। इस डिस्क के अंदर अपन एक साइड तो 2 किलो न्यूटन का लोड लटका रहे हैं, ठीक है, एक में 1 किलो न्यूटन का लोड है। इन दोनों डिस्क के बीच की दूरी 0.3 मीटर है,
तो अपने को अनबैलेंस तो हुई, तो ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स हुई है, तो ये डिस्क अगर बिल्कुल ये रोटेट नहीं करती है तो ये डिस्क के ऊपर एक ट्विस्टिंग मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट हो जाएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 किलोन्यूटन। तो इन इसका मतलब 1 किलोन्यूटन है वो आपको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.3 मीटर, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, 1, और आपकी डिस्टेंस कितनी है, 0.3। इसका मतलब आपको 1 × 0.3 यानी 0.3 किलोन्यूटन मीटर का आपको ट्विस्टिंग मोमेंट लग गया। अब इसकी डायरेक्शन की तरह है कि जिस साइड में अनबैलेंस डायरेक्शन का फोर्स लगा हुआ है, अनबैलेंस डायरेक्शन 2 किलोन्यूटन की साइड में है, तो ये रोटेट इसको इस तरीके से करेगा, यानी ये आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन आपकी कितनी हो जाएगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी डिस्क में देखिए, एक साइड 2 किलोन्यूटन है, 1.3 किलोन्यूटन है, इधर भी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कितना है, 2 − 1.3 यानी आपके पास 0.7 किलोन्यूटन। बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0.2। तो 0.7 × 0.2 करोगे तो आपके पास 0.14 किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा। और अनबैलेंस्ड का जो आपका फोर्सेस है वो आपके इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स इसको रोटेट करेगा वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की डायरेक्शन अपन रिप्रेजेंट कर दी इस तरीके से। थर्ड में अगर डिस्क में अगर अपन देखें तो 0.6 किलोन्यूटन आपका इधर है, 1 किलोन्यूटन आपका इधर है, दोनों में डिफरेंस है 0.6 का है, 0.15 अगर अपन मीटर देखें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो 0.6 × 0.15 से मल्टीप्लीकेशन करें तो अपने को मिलता है 0.09 किलोन्यूटन मीटर। लेकिन अनबैलेंस फोर्स आपका किधर है, इस डायरेक्शन में है, और जबकि ये रोटेट इसको किस तरफ कर रहा है, इस डायरेक्शन से। तो 0.15 × 0.6 करें तो 0.09 किलोन्यूटन मीटर आपका इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस तरीके से अपन इजीली समझ सकते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट कैसे करेगा और उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी। तो अगर अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो अपन इजीली उसकी डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। अब बात आई है कि अगर आपके पास में एक सर्कुलर बार है जिसमें ट्विस्टिंग मोमेंट अगर लग रहा है, तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेसेस क्रिएट हो रही हैं, उन स्ट्रेसेस की वैल्यू कैसे निकालें। तो नॉर्मली ट्विस्टिंग मोमेंट है उसके कारण शियर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है सर्कुलर बार के अंदर, और अपने को ये देखना है कि उसके ऊपर जो सरफेस पे शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आ रही है वो अपन कैसे करें विद टॉर्क जो उसके अंदर लग रहा है उसके साथ में, रिलेशन के साथ में। तो अगर आप, मैं ये कहूँ कि एक बार है, तो जैसे अगर एक बार को अगर अपन ये इस तरीके से एक बार अपन ने दिखा रखी है और अपन उस बार का ये सेंटर है जैसे कि अपन ने इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर अपन ने इसको यहाँ कोई रोटेट किया जैसे एंड के ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो आपको ये देखोगे तो ये इसको इस तरीके से घुमा रहा है, एक एक एंड पे ये टी वो फोर्स लगा हुआ है, एक एंड पे ये टी लगा हुआ है, तो एक तरीके से टॉर्क लगा हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस देखिए तो अगर डी माने तो ये टोटल डी हो जाएगी, तो T × D एक तरीके से टॉर्क हो गया। इसको अपन टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि इसके एक्सट्रीम फाइबर पे यानी इस सरफेस के ऊपर तो ज्यादा फाइबर हैं वो आपके रोटेट हो रहे हैं, और एंड के ऊपर आपके जाके यहाँ पे कम फाइबर रोटेट हो रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये एक इस तरीके से रोटेशन की इसकी पॉलिसी आ गई कि एक यहाँ पे अगर अपन कहें एक लाइन यहाँ अगर मैं खींच दूँ और ये अपने पास में है, तो एंड पे अपने को रोटेशन कुछ इस तरीके से मिल रहा है। देखो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आपको ये अगर बीच वाली एक्सेस है वो आपकी ये यहाँ इसके साथ सेंटर में जाके मिल गई, सॉरी ये यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो एक ये वाली बीच वाली जो सेंटर लाइन है वो आपकी ये है, ठीक। तो ये आपकी बीच की सेंटर की एक्सेस है ये वाली। अब इस एक्सेस के ऊपर जैसे कि अपन ने, मैंने इसको यहाँ से दिखा रखा है, अगर आप बारीकी से देखो तो ये वाली एक्सेस है, यहाँ ए और ए डैश तो फाइबर है वो टोटल है वो एक्सट्रीम रोटेट हुए हैं, बी और बी वन है वो थोड़ा कम एंगल से ट्विस्ट हुआ है, और इसी तरीके से अपन देखें तो ये अगर सेंटर की तरफ जाते हैं तो फाइबर है कम रोटेट होते जा रहे हैं, एक्सट्रीम है वो ए डैश पे। तो इस तरीके से अपने को एक एंगल मिलता है। अब यहाँ क्या है, अपने को एंगल एक्सट्रीम एंगल पे अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो एक लाइन से एक ट्राइंगल बन जाता है इस तरीके से, और
अपन उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में ये तो ए डैश हो गया आपका और ये हो गया आपका ए, ठीक है। और यहाँ जो सेंटर पे, इस सेंटर पे जो एंगल बना वो आपका बन गया वाई। एक तो ये बना, दूसरा है आपका ये ट्रायंगल इधर बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये आपका थीटा है। अब देखो अपने को क्या रिलेशन करना है कि ये आपके पास एल डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस आपके पास हो गई आर डिस्टेंस, जिसको अपन रेडियस भी बोल रहे हैं, शाफ्ट की रेडियस है यार, ठीक है। ओ अपन ने ये आपका सेंटर है, तो इस तरीके से ये आपका ओ सेंटर है और आर आपकी ये रेडियस है और एल आपकी ये लेंथ है शाफ्ट की। तो अगर अपन टॉर्क देखें तो टॉर्क, अगर टी से अपन टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, यानी शाफ्ट में टॉर्क जो ट्रांसमिटेड हो रही है उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ एस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट शाफ्ट सरफेस, यानी शाफ्ट की सरफेस पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ सकती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ एस से, जो ए डैश पे अपने को मिलेगी, ठीक है। टू शियर स्ट्रेस एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर, अगर अपन बी बी वन कोई भी एलिमेंट बीच में कंसिडर कर लेते हैं सरफेस पे, तो अगर मान लेते हैं कि वो आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे है तो वहाँ उस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपन ने क्यू मान ली। आर है वो एक्सटर्नल रेडियस, रेडियस ऑफ शाफ्ट है जो कि आपकी टोटल जो सर्कुलर शाफ्ट का है उसकी रेडियस है। थीटा एंगल ऑफ डिस्टेंस सर्कुलर सरफेस पे, एन आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल है और एल लेंथ ऑफ द शाफ्ट है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा वो अपने को देखना है। अगर बात करें अपन हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ ये कहता था कि कोई भी अगर आपके स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है, तो अगर अपन बात करें तो वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, अपन ने ये पढ़ा था। और उसमें अपन ने देखा था कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू इलास्टिक मॉडुलस ई आती है, कैपिटल ई। यहाँ भी इसी तरीके से है, यहाँ अगर कोई भी शियर स्ट्रेस लग रही है तो वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, शियर स्ट्रेन के। अब आपके जो शियर स्ट्रेन है यहाँ फाई है, फाई क्यों है, क्योंकि आपके जो एंगल फाई बन रहा है एल लेंथ पे लॉन्जिट्यूडनल पे, जो आपने नोट किया होगा कौन सा है, ये वाला, इस फाई है वो आपकी शियर स्ट्रेन की वैल्यू है यहाँ पे। तो फाई अपन ने यहाँ पे देख लिया कि फाई शियर स्ट्रेन की वैल्यू है, एन आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है शियर स्ट्रेन के लिए। तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसी को अगर अपन शियर स्ट्रेन को अगर अपन देखें तो शियर स्ट्रेस अगर इस डायग्राम से देखें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन जा, अगर अपने पास बन गया तो उसको अपन शियर स्ट्रेन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए ए डैश अपॉन एल है, इधर ए ए डैश अपॉन सॉरी थीटा भी क्या होगा, ए ए डैश अपॉन आर होगा। तो ए डैश दोनों में कॉमन है, ए ए डैश अपॉन एल है वो भी फाई है, ए ए डैश अपॉन आर है वो थीटा है। इसी को अपन यहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखो कि फाई की वैल्यू अपन रख दी ए ए डैश अपॉन एल, तो अपन ने लिख दिया कि ए ए डैश है उसको अपन लिख सकते हैं कि ओ ए इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, ओ ए अपना आर है तो आर इंटू थीटा भी ए डैश के बराबर है, तो आर थीटा डिवाइडेड बाई एल अपन इसको लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर अपन फाई की जो वैल्यू है, शियर स्ट्रेन की वैल्यू है, उसको अगर अपन बराबर रख दें तो अपने पास में एक फॉर्मूला क्रिएट ये होता है कि एफ एस अपॉन एन, यानी शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। या फिर अपन इसको अगर एन को इधर ले जाएं, रेडियस को नीचे लाएं, तो एफ एस अपॉन आर इक्वल टू होता है एन थीटा अपॉन एल, यानी किसी भी जगह अपने को शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, तो अगर उसमें क्या स्पीयर रेडियस को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कर दें एन थीटा अपॉन एल, जहाँ थीटा क्या है आपका सरफेस पे आपका रोटेट है, रोटेशन है, ट्विस्ट है, और एन आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एल उसकी लेंथ ऑफ शाफ्ट है। अगर बी बी वन डैश को अगर अपन अज्यूम करें तो यहाँ पे क्यू अपॉन आर आ जाएगा केवल। तो जैसे अपन ने मान लिया कि सपोज करो बी बी वन है, तो बी बी वन पे अगर अपन देखें तो ये इस तरीके से अगर अपन ने एक एंगल पे यहाँ ट्विस्ट बना, अब ये यहाँ पे फाइव नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग ट्विस्ट होगा, फाइव वन होगा, और वो फाइव वन इक्वल टू है बी बी वन, यानी ये यहाँ पे लेके बी और बी डैश मान लो, और ये एंगल आपका एग्जैक्ट थीटा ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, बस इसकी रेडियस है वो स्मॉल आर है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेस क्यू है तो उस क्यू स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा फाइव वन,
अपॉन क्यू अपॉन एन करें तो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्यू इक्वल टू एन फाई वन, जैसे कि अबोव में अपन ने किया है सिमिलर प्रोसेस प्रोसेस अपना, और फाई वन इक्वल टू क्यू अपॉन एन इक्वल टू को अपन स्मॉल आर थीटा अपॉन एन ले सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी जगह शियर स्ट्रेस के निकालने का जनरल फॉर्मूला आपका क्यू अपॉन आर इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल कर दिया। यदि ये एक्सट्रीम फाइबर पे है तो अपन कैपिटल आर करेंगे तो यहाँ एफ एस आ जाएगा और एन थीटा इक्वल टू एल के साथ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंबाइंड इक्वेशन लिखे तो इस तरीके से बन जाएगी कि एफ एस अपॉन आर यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई रेडियस इक्वल टू किसी भी जगह किसी भी पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस सी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है उसके डिवाइड रेशियो के इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल हो जाएगा। तो ये वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस है, और वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इसमें कैसे रहेगी क्योंकि देखो क्यू है, अगर क्यू इक्वल टू आर को अपन यहाँ वापस से इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके अगर लिखते हैं तो ये चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है। तो आर एक लीनियर क्वांटिटी है तो आपका शियर स्ट्रेस का डायग्राम है वो लीनियर ही चलेगा, कुछ इस तरीके से ये आपका लीनियर चलेगा, यानी सेंटर पे आपके जीरो रहेगा और एक्सट्रीम पे आके इसकी वैल्यू एफ एस हो जाएगी जो कि आपकी कैपिटल आर पोजीशन पे है। अगर किसी स्मॉल आर पे इसकी वैल्यू है तो वो यहाँ पे आपको क्यू मिल जाएगी। तो इससे आपको ये फॉर्मूले से आपको ये ड्राइव होगी, जैसा कि अपन सिमिलर ऊपर इसमें डायग्राम में समझा सकते हैं। देखो अगर आपके सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट में किसी भी जगह स्मॉल रेडियस पे आपको क्यू आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, और मैक्सिमम जो आपकी रेडियस है कैपिटल आर पे आपको इसकी वैल्यू ये एफ एस मिल जाएगी जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। अब सर्कुलर शाफ्ट को अगर अपन इस तरीके से देखें कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल आपका बना है और ये इस तरीके से एक्सिस से ये रोटेट हुआ है तो उसमें जो शियर स्ट्रेस है वो कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके दोनों साइड में होती है, इसके जीरो यहाँ रहती है और मैक्सिमम एफ एस हो जाती है और बीच में कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू स्मॉल आर भी क्यू रहती है शाफ्ट के अंदर। इस तरीके से ये आपको इसमें वेरी करते हुए दिखेगी। अब टोर्शन का जब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कुछ अजम्पशंस भी लिए गए हैं। अजम्पशंस क्या हैं कि शाफ्ट इज लोडेड विद ट्विस्टिंग कपल इन प्लेन दैट आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, कि शाफ्ट में जो ट्विस्टिंग कपल लगाया है वो उस प्लेन पे लगाया है जो कि परपेंडिकुलर है सेंट्रल टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के, ठीक है। सेकेंड क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आपका सर्कुलर है तो सर्कुलर में अगर आपके पास में ये शाफ्ट है तो इस शाफ्ट के इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में अपन ने ट्विस्टिंग मोमेंट है जो वो लगाया है, ठीक है। टॉर्सन इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ एंड ऑल नॉर्मल क्रॉस सेक्शन विच आर एट द सेम एक्सल डिस्टेंस सफर इक्वल रिलेटिव रोटेशन, यानी अपन ने क्या किया है इसके जो यूनिफॉर्म यानी इस पूरी लेंथ पे जो अपन ने ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया है उसका इफेक्ट है वो आप एक्ट कर रहा है नॉर्मल सेक्शन पे, और इस नॉर्मल सेक्शन पे जो वो एक्सल डिस्टेंस अपन बात कर रहे हैं जिसमें इसमें इक्वल रोटेशन होगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से यूं 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 इस तरीके से हो जाए या फिर इधर भी कोई वेरी करे, इक्वल रोटेशन आपको मिलेगा। थीटा है तो थीटा, यहाँ फाई है तो फाई मिलेगा। सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर, सर्कुलर का सेक्शन रिमेन सर्कुलर रहेगा, ऐसा नहीं है कि अपन ने ट्विस्ट कर दिया और सर्कुलर का सेक्शन की शेप बिगड़ जाए, इसका मतलब है कि सर्कुलर सेक्शन है वो रिमेन सर्कुलर रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि उसकी रेडियस है वो स्ट्रेट रहेगी आफ्टर टॉर्शन, ऐसा जैसे कि अपन ने कहा कि ये सर्कुलर सेक्शन उसका है और अपन ने इसको रोटेट किया तो इसका मतलब यहाँ जो एक्सिस है वो रोटेट होके इधर सीधी स्ट्रेट ही आएगी, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से इस तरीके से ये पैटर्न बन जाएगा, सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। उस बेस पे इस फॉर्मूले को ट्राई किया जाए। प्लेन नॉर्मल सेक्शन ऑफ शाफ्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग, प्लेन सेक्शन वो प्लेन ही रहेगा, उस प्लेन सेक्शन में कोई भी डिस्टोर्शन यानी चेंज नहीं होगा, नो वार्पिंग और डिस्टोर्शन यानी कोई भी उसमें आपकी शेप नहीं बिगड़ेगी और कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा उस प्लेन के अंदर। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ के हिसाब से अपन देख ही रहे हैं कि स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगी रहेगी, और स्ट्रेस डो नॉट एक्सीड प्रोपोर्शनल लिमिट, और स्ट्रेस वो प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी
यानी आपका लीन इलास्टिक मटेरियल है तो आपके उस प्रोपोर्शन लिमिट को स्ट्रेस क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि उस प्रोपोर्शन लिमिट तक ही आपका हुक्स लॉ वैलिड है। मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, मटेरियल है वो आपका होमोजेनियस रहेगा और आइसोट्रॉपिक रहेगा। होमोजेनियस से मतलब यही है कि उसका पार्टिकल का जो प्रत्येक पार्टिकल है वो आपका सेम नेचर का रहेगा, चारों तरफ उसकी प्रॉपर्टी है वो आपके इक्वल रहेगी, ठीक है, उसी को होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक अपन बोल रहे हैं। अगर अपन बात करें टॉर्क की तो टॉर्क क्या है अब इसके अंदर, तो टॉर्क में अगर अपन देखें, देखो अब इसका है कि रेजिस्टिंग टॉर्क इसका क्या होगा, तो रेजिस्टिंग टॉर्क के बारे में अपन बात करें तो अगर जैसे सर्कुलर शाफ्ट के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि टॉर्क लगने के बाद में उसके किसी ना किसी रेडियस के ऊपर आर के ऊपर क्यू आपका शियर स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्यू आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्रिएट होती है। तो अगर अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में देखें तो एक्सटर्नल जो टॉर्क लगता है आपका उसको बैलेंस करेगा कोई रेजिस्टिंग टॉर्क, तो उस टॉर्क की वैल्यू अपन रेजिस्टिंग टॉर्क की बात करें तो वो वैल्यू क्या होगी, वो ही एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगी। तो ये होगी क्या, सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एनी ट्रांसवर्स सेक्शन। यदि अगर कोई भी शियर स्ट्रेस अगर आपका एक्ट कर रहा है सर्कुलर शेप्स में, तो उसका जो मूवमेंट है उसके थ्रू जो आपका टॉर्क क्रिएट होगा वही टॉर्क आपका रेजिस्टिंग टॉर्क होगा, और वही रेजिस्टिंग टॉर्क है वही बैलेंस करेगा एक्सटर्नल टॉर्क टी को, ठीक है। तो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एनी ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी अगर आपके सर्कुलर सेक्शन के ऊपर कोई आपका क्रॉस सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर लगने वाले जितने भी स्पर्शीय है आपके शियर स्ट्रेस हैं, उन शियर स्ट्रेस का जो मूवमेंट है उनका जो सम है वही आपकी इंटरनल आपकी जो रेजिस्टिंग टॉर्क है उसको टी आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर्कुलर शाफ्ट में यदि एक्सटर्नल टॉर्क यदि आपका टी है वो किसी डिस्टेंस आर पे लगा हुआ है, तो अपन एक एलिमेंट्री रिंग अज्यूम करेंगे स्मॉल आर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर, और ये मान के चलेंगे जैसे कि अपन ने यहाँ दिखा रखा है कि स्मॉल आर की डिस्टेंस अपन ने ले ली और एक रिंग बनाई है, उस रिंग की अपन ने मान लिया कि भाई ये आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसकी थिकनेस है वो डी आर, और इसका एरिया है वो डेल ए, तो एरिया डेल ए तो ऑब्वियसली एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये इसका एरिया यहाँ से निकल जाएगा। तो अपने को क्या है इस एरिया के ऊपर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो निकाल रही है, और इसके थ्रू जो एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा इसके थ्रू आपके एक्ट करेगा ट्विस्टिंग मूवमेंट, उस ट्विस्टिंग मूवमेंट को अपन निकाल लेंगे और उसको फिर 0 से लेके कैपिटल जो रेडियस है उस तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो टोटल वैल्यू आएगी वही आपके मूवमेंट के टॉर्क के इक्विवेलेंट होगी। जिसको करने के लिए अपन ने मान लिया कि सपोज करो कि क्यू शियर स्ट्रेस है, तो क्यू शियर स्ट्रेस है तो वो एक्ट कर रही है आपकी डेल ए, अभी जैसे मैंने आपको रिंग बताया उसके ऊपर, तो अगर फोर्स की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी क्यू इंटू डेल ए, ये शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर सेंटर के ऊपर यानी ये आपका अगर सर्कुलर पार्ट है और ये सर्कुलर पार्ट पे अपन ने आर डिस्टेंस पे ये जो एक्ट कर रहा है शियर फोर्स इस पॉइंट पे जो कि इस रिंग के ऊपर है, ठीक है, तो वो आपका इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये वैल्यू कितनी है क्यू इंटू डेल्टा ए, ये अपन ने निकाल लेगी ये शियर फोर्स की वैल्यू। तो ये सेंटर के ऊपर आपका क्या हो ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट करेगा, तो सभी इसी तरीके से आपके शियर फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट पे, तो इन सब का सबमिशन क्या मूवमेंट का क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा ए डॉट आर। इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर दें इस 0 से लेके यानी सेंटर से लेके और कैपिटल आर की वैल्यू तक, यानी आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्यू इंटू डेल्टा ए इंटू आर। अभी क्यू की वैल्यू अपन ने वहां क्या निकाली थी, स्मॉल क्यू की वैल्यू अपन ने निकाली थी कि क्यू अपॉन स्मॉल आर है वो आपका इक्विवेलेंट होता है एफ एस यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई कैपिटल आर के,
इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल। तो मैंने एफ एस अपॉन आर की एफ एस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और कैपिटल आर रेडियस के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू वहां से पुट करके लिख दी। एफ एस अपॉन आर यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन डिवाइडेड बाई मैक्सिमम रेडियस इंटू डेल ए यानी एलिमेंट का एरिया इंटू आर, ये जो आर की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये आर आर स्क्वायर हो गया, अपने इसको ये वैल्यू यहाँ पुट करके लिख दी। तो आपके लिए ये फिर ये बना कि एफ एस अपॉन आर इक्वल टू 0 से लेके आर इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, और फिर इसको डेल ए इंटू आर स्क्वायर लिख दिया। अब डेल ए आर स्क्वायर क्या होता है, ये आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हो तो अपन ने देखा होगा कि एरिया इंटू आर स्क्वायर है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ सर्कुलर है तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा जिसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इक्वल टू जेड यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और टी अपॉन जेड को अपन लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस यानी एफ एस अपॉन कैपिटल आर, जिसको अपन उसी फॉर्मूले में फिट कर देंगे जहां अपन ने क्यू अपॉन आर इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इक्वल टू टी आर अपॉन जेड करके इक्वल टू एन थीटा अपॉन एल किया था। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये टॉर्क की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्शन वाले सब्जेक्ट में। अगर आपको ये इक्वेशन याद है और तो आप अपन इजिली किसी भी सर्कुलर शाफ्ट में अपन उस टॉर्क की वैल्यू और शियर स्ट्रेस की वैल्यू और उसके अंदर एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बात करें अपन इसी को अगर मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट से रिलेट करें, बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेट करें, तो क्यू अपॉन आर है वो एफ वाई अपॉन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग है। टी आर अपॉन मोमेंट अपॉन जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कोरस्पोंडिंग आ रहा है। एन थीटा पोल है वो कोरस्पोंडिंग टू ई अपॉन आर के है, और जेड अपॉन आर है वो आई अपॉन डी अपॉन टू के कोरस्पोंडिंग है, और एन जेड जो अपने स्टीफनेस लेते थे कॉरस्पॉन्डिंग टू ई आई है। तो जेड अपॉन आर है उसको अपन टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस भी बोलते हैं, और एन जेड को अपन टॉर्सनल रिजिडिटी भी बोलते हैं शाफ्ट भी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं जो ये रिलेशन है जो अपन स्टेबलाइज किया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में, और आपको इसका डेरिवेशन भी आप इजीली आप इसको कर सकते हो। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें सर्कुलर शाफ्ट में क्या होता है, तो ये आई जेड जेड होता है, और आई जेड जेड की वैल्यू अगर अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखें तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होती है। तो इस तरीके से आई एक्स एक्स इंटू आई वाई वाई वो पाई डी 4/64 आपके पास में वैल्यू हो जाती है। इन दोनों को सम करें तो ये वैल्यू पाई डी 4/32 हो जाएगी, ट्वाइस टाइम होगी। तो इस तरीके से अपन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं सर्कुलर शाफ्ट के केस में, पाई डी 4/32 होती है। तो जेड की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी सर्कुलर शाफ्ट के अंदर, पाई डी 4/32 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से टॉर्शन सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। अपन जेड अपॉन आर करें तो आर इक्वल टू डी बाई टू होता है, जिसको टॉर्शन सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, जो कि पाई डी क्यूब अपॉन 16 हो जाएगा। आई को डी बाई टू से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से जेड अपॉन आर की डायरेक्ट वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं उस फॉर्मूले के अंदर। पोलर सर्कुलर शाफ्ट हो रहेगा तो ये पाई डी फोर पाई बाई 32 डी फोर माइनस डी फोर हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल डी यहाँ एक्सटर्नल डायमीटर रहेगा और स्मॉल डी है वो आपका इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले में ये जो रिलेटेड टर्म्स है उनको,